ये पिशावर घंटाघर है और ये खसूसन वो बाजार है जहाँ पर हर किस्म की मछलियाँ यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये किस्म किस्म मछलियाँ हैं, मैं जानता भी नहीं इसकी ये जो नस्लें हैं या किस्में हैं ये क्या है, लेकिन बहुत सारे नस्लें हैं यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ी मछली यहाँ पे पड़ी है, लंबाई में भी बहुत ज़्यादा है। और ये तो मैं अभी ये जो दुकानदार साहब है मैं इनसे पूछूंगा कि ये किस किस किस्म की मछलियाँ यहाँ पे बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई हाँ जी हाँ मायान दिया तो किस्मों की प्रातरी से चिकम अहम किस्मों दी दा जमादे मीने वालों तो खाया चिदा कम कम किस्म मायान तरावड़े ना खुजे द डेर उजाइनु ना मायान राजी पंजाब ना द सिन ना द सत रोचते कर दा मले मये दे दा बगैर लशे दे दा द सिन हैदराबाद ना राजी लादा मले मये आओ जी दे तो छे ना वो दा पके बल के समझे जैसे डेर किस्मों ने दी दे के दा डैम मये दे रुपए किलो दे पंच किलो दे तकरीबन सदा पंच हजार रुपो दे रुपए किलो दे हाँ जी ये किस्म खसूसियत दी ग्रान मई की दा दसीन मई दे दा नूर से कम दी दा टोल फार्मों के साथ चली शवी दे बांधे खुराक कड़े दा कुदरती मई दे दी दा कला कला दलता राजी हां जी डेर मनन डेर शुक्रिया दल के वाड़ो वाड़ मया नम प्राति दी दाओ करे दा दरियाब मया आंदी जी दे त शेर मई होई हां आओ जी दा दरियाब पुल मया आंदी आओ जी शाबाश शाबाश गुड यार दाओ करे जी किस्मा किस्म मैं रात दी आओ यूट्यूब देखता रे यूट्यूब प्रवाड़ा वा यूट्यूब के जहीर स्टेट्स वर्क का जहीर स्टेट्स यूट्यूब के आओ बस दा टूले वीडियो जे कमे आने ना बहुत बुरे हां वालेकुम सलाम रे शिदा दा मैं तासे लेके खबर अस्सलाम वालेकुम हां उस्ताद जी सलाम वाला वालेकुम अस्सलाम सगे चले ठीक ठाक खैर दोरा ए अब इस मैं दा दीवाने कना चले ना कार कोई भी छोड़ के हां वाओ अस्सलाम वालेकुम सेंगल उस्ताद जी रंगुन मंगुन का वही हां ससी साबी ठेका में कई साबी मना देड़ी तो ठेकार सा हां हां दिहाड़ी और ठेका थोड़ा भी हां हां ये देखिए सर बहुत किस्म किस्म मछलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें ऐसे मछलियाँ भी हैं जो दरियाओं में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ कदमों के आगे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर गुरगढ़री की तासीर शुरू होने को है और हम कोशिश करेंगे कि आपको गुरगढ़री की तासीर भी दिखा दें।
तो आइए मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे आगे जाना है और ये व्लॉग मेरी एक बहुत ही तारीखी व्लॉग बनी बनेगी इंशाल्लाह। आइए अभी हम गोरगटरी की तहसील से थोड़े सी फासले पर हैं और मैं इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया हूँ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये पिशावर का इलाका घंटाघर है और मुझे आप लोगों को दिखाना है गोरगटरी तहसील, तो मुझे आगे जाना है क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। आइए सर शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत पुरानी बिल्डिंगें आज भी मौजूद हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए, अक्सर मैं इधर उधर जब देखता हूँ कुछ पुराने दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं, मुझे इनका पता नहीं है कि ये किस किस्म के दरवाजे हैं, लेकिन ये देखिए ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि ये पिशावर का बहुत मरकज़ी मकाम है और तिजारत के लिहाज से, सियासी लिहाज से ये इंतहाई लाजमी और बहुत ही अहम मकाम है। और कुछ कदमों के फासले पर मेरे गोरगटरी की तहसील है, मुझे वहाँ भी जाना होगा और लोगों से पूछना होगा कि गोरगटरी की तहसील कहाँ पे है। आइए, तो इसके बाद रश और ट्रैफिक में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है और मुझे आप लोगों को दिखाना है कि गोरगटरी की तहसील कहाँ पे मिलेंगे। आइए हमारे साथ रहेगा।